अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दिस इज़ सर नसीम ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द पेपर ऑफ सेकेंडरी केमिस्ट्री एंड दिस इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द एमसीक्यूज विदाउट फर्दर एडो। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड इज, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है कोबाल्ट का। ई एन का हमारे पास 4 निकल गया यहाँ पर और क्लोरीन का यहाँ पर 2 निकल गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आ गया। सेकेंड है हाइपो इज़ यूज एज, हाइपो को फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है एज अ फिक्सर। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Na2S2NO3। थर्ड ऑन जंपिंग फ्रॉम EG टू TG टू T2G ऑर्बिटल एन इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी इन दिस रीजन दैट इज विजिबल रीजन, दैट्स वाई यू कैन सी द कलर्स इन डिफरेंट पैटर्न्स। फोर्थ द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड डैश, दिस इज कॉल्ड कैटेनेशन। फिफ्थ साइक्लोअल्केन्स हैव द जनरल फॉर्मूला व्हाट, साइक्लोअल्केन्स का जनरल फॉर्मूला जो है ना वो अल्कीन्स की तरह होता है, सेम होता है दोनों का, दैट इज CnH2n। सिक्स है द बॉइलिंग पॉइंट रेंज ऑफ दिस फॉर द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, किस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम का 40 डिग्री से 200 डिग्री होता है बॉइलिंग पॉइंट रेंज, तो ये गैसोलीन का होता है। सेवन है द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, 3 आइसोमर्स होते हैं पेंटेन के, एक हमारा एन पेंटेन, एक आइसो पेंटोन और एक नियो पेंटेन। एट इट इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इनमें से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, दैट इज NO2। NO2 इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, बाकी अमोनिया में लोन पेयर है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, OH के अंदर भी लोन पेयर है तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। CH3 में कार्बन के पास अगर से लोन पेयर नहीं है बट इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द प्रोसेस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इस वजह से हम उसको कह सकते हैं ये भी हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ही है। तो NO2 या नाइट्रो ग्रुप हमारा जो है वो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ है ग्लायोक्सल इज फॉर्म बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ वॉट, ग्लायोक्सल किसकी ओजोनोलाइसिस से बनता है, तो जब हम बेंजीन की ओजोनोलाइसिस करते हैं, ओजोनोलाइसिस में ओजोन से रिएक्शन होता है, तो पहले हमारे पास विनाइल अल्कोहल बनता है, सॉरी पहले हमारे पास ट्राईओजोनाइड बनता है, उसके बाद फाइनली हमारे पास ग्लायोक्सल बनता है जिसको हम लोग IUPAC में कहते हैं 1,2-ethandiol। 10th है द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आइन, तो टर्शरी कार्बोनियम आइन मोस्ट स्टेबल होता है, दैट इज R3C++। 11 है द परसेंटेज बाय वेट ऑफ इथेनॉल इन रेक्टिफाइड स्पिरिट, तो 92 से 95%। 12 है वुड स्पिरिट इज द कॉमन नेम ऑफ मिथानॉल। 13 है द एसिड इज यूज फॉर ईचिंग ऑफ ग्लास, दैट इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। 14 है द स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रक्टोस। 15 है द ग्रीन कलर ऑफ ग्लास इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। 16th है मार्कोनिक ऑफ रूल विल बी अप्लाइड इन द एप्लीकेबल इन द एडिशन ऑफ HBr ऑन द CH2CHBr बिकॉज द मॉलिक्यूल मस्ट बी असिमेट्रिकल, और अगर हमारे पास असिमेट्रिकल अल्कीन होगा तभी उस पर हमारे पास मार्कोनिक ऑफ एडिशन के रूल्स अप्लाई होंगे। 17 है इथाइलिन इज यूज एज, तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, एसेटिक के तौर पर भी, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए भी, प्रिपेरिंग मस्टर्ड गैस के लिए भी। नेक्स्ट EDTL इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड, जिसकी डेंटिसिटी 6 होती है। 19th है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेस, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है भाई, तो इसकी वजह से हो जाती है हमारे पास, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, ये तो विटामिन A की वजह से होती है, तो बेरी बेरी इज द करेक्ट आंसर। 20 है दिस एंड दिस आर वॉट, दीज आर पोजिशन आइसोमर्स जिसके फर्स्ट पर्सियल अटैच है या टू पर्सियल अटैच है। 21 है फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद अल्काइल लेड टू प्रोड्यूस ईथर, RONA का रिएक्शन कराएंगे, तो पहले बनेगा आपका डायरेक्ट ईथर बन जाएगा, RONA का रिएक्शन RX से करेंगे अल्काइल हैलाइड से, तो आपका ROR बनेगा, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर और साथ में NX बनेगा। 23 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+1 आयंसेस, Cu+1 आयन 4s1 3d10 नहीं हो सकता, दिस इज 4s0 3d10, दिस इज द करेक्ट आंसर। 24 है द मेटल आयन हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज Mn+2। 25 है एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड इज BH3। उसके बाद 26 है डोलोमाइट इज द कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम।
27 है दिस एलिमेंट हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन दिस इज सीजियम। 28 है दिस मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड पोटेशियम। 29 है बीटा बीटा डैश डाइक्लोर डाइथल सल्फाइड इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड गैस। दिस इज द मिनिमम बाय हाइड्रेशन एनर्जी। तो मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी सोडियम की होगी जो कि सबसे छोटा एटम इसी का होगा। नॉट सबसे छोटा एटम होगा तो नहीं हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। हमें सबसे बड़ा एटम ढूंढना है सीजियम सबसे बड़ा एटम है। 31 है लाफिंग गैसेस N2O जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज नाइट्रस ऑक्साइड। 32 है नाइट्रिक एसिड इज फ्रीक्वेंटली ट्रांसपोर्टेड इन अ कंटेनर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम बिकॉज एल्यूमिनियम इज पैसिव टुवर्ड्स नाइट्रिक एसिड और एल्यूमिनियम नेवर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टिंकल इज Na2B4O7 क्योंकि आपको टिंकल को पता है कि बोरेक्स को ही कहा जाता है। इसके बाद सेक्शन बी है तो क्वेश्चन 2 इसका जो सवाल है जो बॉक्स वाला आता है जो चैप्टर 3 से नॉर्मली आ रहा होता है हमारे पास और 4 से आ रहा होता है। राइट द फॉर्मूला ऑफ AnD। कार्नेलाइट का फॉर्मूला तो हो गया KCl.MgCl2.6H2। बोरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया H3BO3। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बी तो CSO4.2H2O ले लें और उसको हीट कर दें तो आपको ये बन जाएगा CaSO4 उसके बाद twice.H2O। राइट वन कॉमन यूनिट ऑफ बी तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग एंड मोल्डिंग। गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सी विथ HCl। ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन HCl से करेंगे तो आपका कैल्शियम क्लोराइड बनेगा HOCl बनेगा और वाटर लिबरेट होगा। ठीक है नेक्स्ट इसके साथ और करके आया है कि राइट द ग्रुप एंड पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 18। तो ये हमारा पोटेशियम हो गया इसका ग्रुप 1 निकल गया और इसका पीरियड हमारा निकल गया 4th। 24 ये हमारा क्रोमियम हो गया इसका ग्रुप निकल गया हमारे पास ग्रुप 4B और पीरियड निकल गया 4th। बाकी इस तरह से Z=34 की बात करें जिंक के बाद 1, 2, 3, 4 मतलब ग्रुप 3, 4, 5, 6 ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम तो ये सेलेनियम है तो 34 का हमारा ग्रुप जो हो गया वो हो गया हमारा 6A और पीरियड हमारा इसका निकल गया दिस विल बी 4th। 47 सिल्वर का हो गया हमारे पास तो ग्रुप इसका निकला हमारे पास 1B और पीरियड इसका निकल गया 5th। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसको निकालते हैं रीजंस हैं ग्रेफाइट इज अ वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई ग्रेफाइट इज अ वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन चूंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। H2S गैस वेयर एज वाटर इज लिक्विड ब्रोमीन इज प्लेस्ड मतलब H2S गैस है जबकि वाटर लिक्विड है क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर। ब्रोमीन इज स्प्रेड फ्रॉम इज सॉल्ट बाय क्लोरीन क्योंकि NaBr है जब इसका Cl2 सिलेक्शन करेंगे तो NaCl बनेगा और Br अलग हो जाएगा बिकॉज ब्रोमीन आपके पास जो है वो लेस रिएक्टिव है और क्लोरीन आपके पास जो है वो दिस इज मोर रिएक्टिव। अल्कली मेटल्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बिकॉज दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन ईजिली इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। डी एल्युमिनियम इज अ मेटल व्हाइल बोरॉन इज अ मेटलॉइड। एल्युमिनियम एक मेटल है जबकि बोरॉन एक मेटलॉइड है तो ऐसा क्यों है इसके पीछे क्या वजह है तो एल्युमिनियम के मेटल होने की और बोरॉन के मेटलॉइड होने की चूँकि एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन करंट कर सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं जबकि बोरॉन हर कंडीशन पर एक इलेक्ट्रो करंट नहीं फ्लो कर सकता उस खास कंडीशन पे करेगा तभी ये सेमी कंडक्टर है। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग हाइपो का फॉर्मूला ऊपर बताया Na2S2O3 टिंकल का भी ऊपर चला गया Na2B4O7
इप्सम सॉल्ट हमारे पास होता है MgSO4.7H2O, ब्लू सोना हमारे पास होता है CuSO4.5H2O। जिंक इज पुट ऑन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जिंक का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करते हैं जो डाइल्यूट हो, तो जिंक नाइट्रेट बनेगा, जिंक का सॉल्ट, उसके साथ नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होगी N2O और वाटर। एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सक्रोज C12H10O11, इसके अंदर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे जिससे कार्बन अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स की हाइड्रोलिसिस करनी है, दिस इज Na2B4O7 प्लस वाटर, H3BO3 बनेगा हमारा, बोरिक एसिड प्लस NaOH बनेगा। क्रोम येलो पिगमेंट टू क्रोम रेड पिगमेंट, क्रोम येलो होता है PbCrO4, इसके रिएक्शन आप करा दो NaOH के साथ, ये हमारे पास Pb2CrO5 बनेगा प्लस Na2CrO4 बनेगा सोडियम क्रोमेट प्लस, और साथ में वाटर लिबरेट हो जाएगा। कॉपर का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा है कंसनट्रेटेड, तो ये CSO4 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। फॉस्फोरिक का करेंगे नाइट्रिक एसिड से कंसनट्रेटेड, तो क्या होगा, फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा H3PO4 और साथ में NO2 और वाटर रिलीज हो जाएगा। यहाँ 5 लगा के, यहाँ 5 लगा के बैलेंस कर लेंगे। HCOOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड, तो CO प्लस H2O हमारे पास यहाँ पर रहता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करेगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो एलिमिनेट का रिएक्शन सोडा एच के साथ हो रहा है, तो एक तो बनेगा आपका Na2B4O7 बोरेक्स, साथ में बनेगा CaCO3 और साथ में बनेगा सोडियम मेटाबोरेट NaBO2। ठीक है, बाकी सेक्शन ऑर्गेनिक में आते हैं, तो ऑर्गेनिक के अंदर तो स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन हाउ वुड यू प्रिपेयर द फॉलोइंग, पहला है नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है हमें बेंजीन की मदद से। तो किस तरह से बनेगा कि सबसे पहले बेंजीन स्टार्ट करेंगे, बेंजीन ले लें, इसकी आप जो है वो अल्काइलेशन करा दें, तो पहले आपके पास आ जाएगा टॉलवीन, फिर इस टॉलवीन की ऑक्सीडेशन करा दें, आपके पास आ जाएगा बेंजोइक एसिड। अब चूंकि बेंजोइक एसिड एक मेटा डायरेक्टर है, तो अब आप इसकी नाइट्रेशन करा दें, जब इसकी नाइट्रेशन आप कराएंगे तो क्या होगा, ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन पर, मेटा पोजीशन पर आपको नाइट्रो मिल जाएगा, ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया, ओपी नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसके अंदर अल्काइलेशन करा देंगे, दो कंपाउंड इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर CH3 पहले तो आ जाएगा, उसके जब आप इसकी नाइट्रेशन कराएंगे तो ऑर्थो और पैरा दोनों पर आपको अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे, एक कंपाउंड आपको ऑर्थो पर मिलेगा NO2 लगा हुआ, और एक कंपाउंड आपको मिलेगा किस पर भाई, पैरा पर मिलेगा NO2 लगा हुआ। इसके बाद फर्दर क्या कर देना है कि हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो हमारे जो CH3 ग्रुप है वो COOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। क्लाइबजल बनाना है बेंजीन से, तो सबसे पहले बेंजीन की हमने कर दी ऑक्सीडेशन O3 के साथ, ओजोनोलाइसिस कर दी, तो ट्राई ओजोनोइड बना, इस ट्राई ओजोनोइड की अरेंजमेंट हुई, तो ये हमारा बन गया CHO CHO, इसको हम ग्लाइबजल कहते हैं। एसिटोफिनोन बनाना है, तो सिंपल वन स्टेप रिएक्शन है कि हमने बेंजीन लिया और उसकी रिएक्शन CH3C OCl से करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इससे क्या हुआ हमारे पास कि हमारे पास एसिटोफिनोन बन गया प्लस HCl लिबरेट हो गया। पॉलीमराइजेशन इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, PVC बनाना है,
पीवीसी विनाइल क्लोराइड से बनेगा, बस आप क्या कर देंगे, विनाइल क्लोराइड ले लेंगे। दिस इज विनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसकी आपने क्या करनी है, इसकी आपने पोलीमराइजेशन कर देनी है, एन लेना है, यहाँ पाई बॉन्ड टूटेगा और बहुत सारे सारे ग्रुप एक साथ अटैच हो जाएंगे। ये हमारा बन जाएगा पीवीसी। बेकलाइट सिंपल है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ पर दो फिनॉल ले लें और एक फॉर्मल्डिहाइड ले लें। अब चूंकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है ये, तो वाटर लिबरेट होगा, मतलब माइनस एच टू वाटर लिबरेट होने वाला है, ठीक है। तो माइनस एच टू हो गया, वाटर लिबरेट हुआ और साथ में यहाँ पर आपका ये बेकलाइट बन जाएगा। तो चूंकि पॉलीमर बनेगा ये भी हमारे पास एक, तो ये एन नंबर ऑफ इसके अंदर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। एक्सप्लेन करना है टर्शियरी अल्कलाइट फेवर्स एस एन वन मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ हाई स्टेरिक एंट्रेंस, हाई स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। The ethyne by addition of two moles of HCl forms 1,1 dichloroethane and not 1,2 dichloroethane because of Markovnikov rule. See, nitration of phenol is easier than nitration of benzoic acid. क्योंकि phenol is an orthopyrrole director जबकि benzoic is a meta director. Sucrose is a non-reducing while maltose is reducing sugar. क्योंकि सरकजोज में ketonic group मौजूद होता है जबकि maltose में ketonic group हमारे पास मौजूद नहीं होता। के बाद राइट आप इसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग आल्सो ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर। नियोपेंटाइल क्लोराइड, तो ये टोटल पांच कार्बन लेना है, चार यहां पर ले लें, सॉरी इस तरह से ले लें, तो ये हमारे पास ये लगा नियोपेंटाइल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो, दिस इज प्रोपाइल एंड देन क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ये हमारे पास सेक प्रोपाइल अल्कोहल है, इन आईयूपीएसी दिस इज कॉल्ड 2-propanol, विनाइल ब्रोमाइड, दिस वन इज विनाइल ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1-bromo-1-ethene आईयूपीएसी में। डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, ये कीटोन बनाया और ये आइसोप्रोपाइल ले लिया। नंबरिंग कर दी इस तरह से 1,2,3,4,5, दिस इज 2,4 डाइमिथाइल पेंट एन 1-ओन। नेक्स्ट कह रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग इथेन। तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, इथेन बनाना है, तो आप इसको क्या करो, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से इथेन बनाने के लिए आप CH3Cl ले लो, डबल हो जाएगा। इथेनॉल बनाना है तो CH3 MgCl ले लो, उसके रिएक्शन हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड से कर दो, ये बन जाएगा। मीथेन बनाने के लिए CH3Cl CH3MgCl इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। एसिटिक एसिड बनाना है तो इसे CH3MgCl का रिएक्शन CO2 के साथ कर दो। नेक्स्ट है कंप्लीट एंड बैलेंस, ये कीटोन की ऑक्सीडेशन हो रही है तो एसिटिक एसिड बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगी। C6H5OH प्लस Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन, उसका प्रोटो हमारे पास जो है वो OH यहाँ पर आ गया और यहाँ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल हमारे पास बनेगा, जिसके अंदर 3HBr भी रिमूव होगा। HCHO और ये हमारे पास टोलरेंस एजेंट का रिएक्शन है, सिल्वर मेटल डिपॉजिट होगा, अमोनियम फॉर्मेट बनेगा और अमोनिया रिलीज होगा और वाटर बनेगा। ये इक्वेशंस हो गई। सेक्शन सी में इनऑर्गेनिक है, रिएक्शंस तो है नहीं, आईयूपीएसी नेम लिखना है कॉम्प्लेक्सेस के।
वो देख लेते हैं, लिख लेते हैं नेम एक करके। दिस इज NO26 है, दिस इज हेक्सा नाइट्रो, पहले शुरू में सोडियम भी आ जाएगा, उसके बाद कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगी। दिस इज डायरेक्ट बता रहा हूँ, दिस इज टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट, इसका हो जाएगा हमारे पास 3 है ना, तो ट्रिस इथाइलिन डायमाइन। अब क्रोमेट तो नहीं होगा, क्रोमियम होगा चूंकि हमारे पास कैटाइन है नहीं इसके अंदर। उसके बाद लास्ट में सबसे क्लोराइड है और चार्ज आ जाएगा 1 केमन ऑफ। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है ये, तो ये हो जाएगा अमोनियम डाइथायोसियानो बिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा 2, नहीं सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़कर 0 निकल जाएगा चूंकि +2 यहाँ है और -2 यहाँ है, तो 0। दिस इज ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज डाई ऑक्सीलेटो आयरन और 2 आ जाएगा चार्ज इस पर, डाई क्लोरो टेट्रा नाइट्रोसिल प्लाटिनम और ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी 2 इसकी +2। KMnO4 पोटेशियम टेट्राऑक्सो जिंकेट, सॉरी पोटेशियम टेट्राऑक्सो मैंगनेट और चार्ज आ जाएगा इसका +7। ठीक है सारे हो गए। इसके बाद सेक्शन सी है ऑर्गेनिक का, कि एसिटाइलिन इज पास थ्रू अ रेड हॉट ट्यूब इन प्रेजेंस ऑफ निकल, डायरेक्ट बाय फायर प्रोड बता रहा हूँ कि बेंजीन बनेगा इसके अंदर। इथेन इज ट्रीटेड विद सल्फर मोनोक्लोराइड, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसके अंदर बनेगा मस्टर्ड गैस। रिएक्शंस वगैरह कई बार कर चुका मैं सारी है। इथेन का रिएक्शन डायल्यूट अल्कलीन KMnO4 के साथ, तो ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, दिस द एंड प्रोडक्ट इज इथिलाइन ग्लाइकोल, वाटर इज एडेड टू इथाइन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। ये पहले हमारे पास बनेगा विनाइल अल्कोहल, जिसकी रीअरेंजमेंट होगी तो ये हमारे पास बन जाएगा इथेनल। डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है बी पार्ट में पैराफिन और ओलेफिन के बीच में, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा दें, पैराफिन पॉजिटिव करेगा ओलेफिन नेगेटिव, इथेन है एथाइल क्लोराइड Ag2O से टेस्ट करा दें, ये पॉजिटिव करेगी नेगेटिव, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब आपकी मर्जी, आपस में टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दे दें या फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे दें, दोनों एल्डिहाइड दोनों पॉजिटिव करेगा और कीटोन दोनों नेगेटिव करेगा। उसके बाद इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आइडेंटिफाई लेटेड प्रोडक्ट, इथिलाइन इथाइल अल्कोहल है, ए डाला गया, तो ए हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा बन गया इथानल। इथानल की ब्रोमिनेशन कराई गई है, Br2 से रिएक्शन कराई गई इथाइल अल्कोहल में, अच्छा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है ना, ये तो हमारा डिहाइड्रेशन कर देगा, इस तरह से बना लेगा, फिर ब्रोमिनेशन कर दी गई तो एक तरफ ब्रोमीन आ जाएगा आपके पास, फिर KOH अल्कोहलिक डाला गया, दोबारा से हमारे पास इथीन आ जाएगा और इस इथीन की क्या कर दी गई HCN से रिएक्शन करा दिया गया, ये हमारे पास विनाइल साइनाइड आ गया, दिस इज विनाइल साइनाइड। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड गेट रिड्यूस्ड, गिव इक्वेशन विद कंप्लीट कंडीशंस। रिडक्शन करनी है भाई, टोलुइन की रिडक्शन करेंगे मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो ये बेंजीन बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा मीथानॉल, एसोटोन की करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा सेक प्रोपाइल अल्कोहल, और मिथाइल हाइड्रेट के जब हम रिडक्शन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा मीथेन। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा पेपर कंप्लीट आपका सॉल्व हो गया अनीश हुसैन कोचिंग सेंटर का 2022 का। आई होप सो कि इसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इससे आपको रिवाइज करने में आसानी हुई होगी। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे लेक्चर के साथ डिफरेंट और कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर के पेपर्स को लेकर। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।